नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माय गोल्डन टाइम में। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नर्सरी। तो ये हमारे साल का, नए साल का पहला संडे है। तो मैंने कहा, होता क्या फ्रेंड्स, ये जो गार्डनर लवर होते हैं ना, वो जो है उनको जो है अपने पेड़ पौधों से बड़ा प्यार होता है। तो क्या है, कितने भी प्लांट्स हमारे पास हो क्यों ना, लेकिन एक बार होता है कि चलो एक बार हम नर्सरी घूम के आते, शायद कुछ अलग सा मिल जाए। तो इसलिए जो है मैं भी आ गई। और ये देखिए कितनी बड़ी नर्सरी है, बहुत बड़ी नर्सरी है ये देखिए। और बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ, बहुत सारे फ्लावर हैं। तो मैंने कुछ प्लांट्स तो ख़रीदे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ जो मुझे अच्छे लग रहे थे, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहे थे वो मैंने लिए, और जो एक आध मेरे पास नहीं थे वो मैंने लिए हैं। तो ये देखिए, इस तरह बहुत बड़ी नर्सरी है, अरे देखेंगे। तो ये क्या है कि आप ये जो है नर्सरियाँ जो हैं ये अंदर अंदर हैं। तो मैं पहले ही बता चुकी कि अगर आप बनारस में रहते हैं तो बनारस में ये जो मड़वाडी मार्केट पड़ती है उसके अंदर जो बहुत सारी नर्सरियाँ हैं, तो ये वही नर्सरी है। और इसी में फ्रेंड्स अंदर अंदर जो है खेत भी बहुत सारे हैं। तो मैंने जो है वहीं से जो है इसको परचेज़ किया है यहाँ पर। और ये मैं दूसरी नर्सरी आ गई हूँ, यहाँ पे भी मैंने जो है ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी नर्सरी है। और सबसे बड़ी बात कि इस वाली में तो बहुत सारे यूनिक जो है प्लांट्स भी हैं। तो कभी मैं जब इसका आपके साथ कभी शेयर, देखिए टेबल कामनी है, ये पनसीटा है हमारा, ये देखिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट से हैं। और जीजी है ये देखिए, और डिफरेंट बेक किया है आपका। और ये देखिए, इसके अलावा इनके पास सिरेमिक का बहुत बड़ा स्टॉक है। तो देखिए सिरेमिक प्लांटर जो हैं वो मैं ज़्यादातर अगर जो मैं लाती हूँ वो यहीं से लेती हूँ यहाँ पर। और ये देखिए बहुत बड़ा सा है, और काफ़ी सारी वैरायटी है आपको मिल जाएगी। तो अब मैं आपको अपने गार्डन में ले आई हूँ, मैंने कुछ प्लांट्स और कुछ प्लांटर परचेज़ किए हैं। तो ये देखिए कॉस्मोस का है, ये देसी वैरायटी है। और मैं कॉस्मोस आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं कॉस्मोस का भी दो पौधे लाई हूँ, ये देखिए। तो ये मुझे नर्सरी वाले ने बताया था कि ये हाइब्रिड वैरायटी होती है, और तो मैं फिर इसलिए इसको ले कर आई, क्योंकि मैंने अभी तक इसको नहीं लगाया, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। और इसके अलावा ये जो है देखिए वर्बीना का प्लांट है हमारा, वर्बीना का पौधा है। तो ये मैं वर्बीना जो मेरा सूख गया था इसलिए मैं वो लेके आई हूँ। और ये देखिए ये है कोलियस का, तो ये देखिए कितने कोलियस है, तो बहुत सुंदर सुंदर लगते हैं, जितने भी आपके पास है उतने ही कम। तो मुझे ये कलर बहुत अच्छे लगे थे, मेरे पास इसमें का एक तो है, लेकिन ये मुझे देखने में बहुत अच्छे लगे तो मैंने कहा ले लूँ मैं। और ये भी कोलियस का ही है एक वैरायटी, ये वाली ये देखिए छोटी सी जो, ये भी कोलियस की ही वैरायटी है, ये थोड़ी डिफरेंट लग रही थी इसलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया। और ये सारे प्लांट्स फ्रेंड्स मुझे 20-20 रुपए के ही पड़े हैं, तो मैंने वही परचेज़ किया है। ये देखिए ये मैंने प्लांट्स ख़रीदे हैं। इसके अलावा मैंने कुछ सिरेमिक प्लांटर ख़रीदे हैं, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये इस तरह से पूरा है, और सिरेमिक प्लांटर ये देखिए, ये स्नेल शेप में है ये देखिए। और ये प्राइस उन्होंने तो काफ़ी बताया था, मतलब 230 या 220 ऐसे कुछ बताया था, लेकिन मैंने उनसे जो है ये 150 का लिया है। तो ये तीनों ही मुझे 150 के पड़े हैं, और देखिए इसमें 220 लिखा भी हुआ है, देख रहे हैं आप। तो ये तीनों मुझे 150 पड़े हैं। और इसके अलावा मैंने टेराकोटा का भी कुछ चीज़ें परचेज़ करी फ्रेंड्स। तो जब मैं ये टेराकोटा के जो भी चीज़ें परचेज़ करी, ये जो है रोड साइड लगी हुई थी शॉप, तो मैंने वहाँ से परचेज़ करी है। तो इसका ये देखिए कि स्टूल, इस तरह का स्टूल मेरे पास पहले भी था, अभी है वो रखा हुआ है, ये मैं दूसरा लिया। और ये प्लांटर मुझे बहुत अच्छा लगा, टर्टल वाला देखिए। तो नीचे इसमें जो है ये बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो प्लांटर है ये डायरेक्ट जो है वो ज़मीन में टच नहीं करेगा। तो ये जो स्टैंड जैसा बना है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो एक मैंने ये परचेज़ किया है। और एक मैंने ये परचेज़ किया है, जैसे वो राजस्थानी जैसे लुक, जैसे वो होता है उस टाइप का ये लुक दे रहा था मुझे, और काफ़ी बड़ा है ये हाइट में, तो ये मैंने परचेज़ किया है। पर लाते समय फ्रेंड्स बड़ा गड़बड़ हो गया कि ये जो है थोड़ा सा, ये देखिए आप लग देख रहे हैं इसका, ये टूट गया। तो फिलहाल जो है ये टूट गया है, तो इसको मैं जो है फेविकोल से इसको लगाने की कोशिश करूँगी, ताकि ये जो है चिपक जाए अच्छे से। तो 4-5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी तो ये चिपक जाएगा। बहुत संभाल के लाई, लेकिन फ्रेंड्स तब भी वो टूट ही गया। और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ ख़रीदी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैंने लिया है फाउंटेन लिया है, और कुछ दो लालटेन लिए। देखिए बड़ा डिफरेंट सी लालटेन यूनिट टाइप की लग रही थी मुझे, तो थोड़ा मैंने ये लिया है।
ये भी मुझे 150 का, ये मुझे 100 100 की पड़ी है, सॉरी फ्रेंड्स, ये मुझे 100 100 की पड़ी है दोनों, और जो 30 वाला मेरा प्लांटर था वो मुझे 150 का पड़ा है। और ये देखिए फाउंटेन है, ये देखने में बड़ा, अभी तो इसमें सेट अट करा है मैंने, अभी थोड़ा सा इसका जो कनेक्शन करना है वो मैं अपने, वो अभी मैं बाद में करूँगी, तो फिर जब कर लूँगी तब तो आपको इसका सेट जो है कैसे मैंने इसको लगाया है ये सब आपके साथ फिर शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी लगा के देख रही हूँ कि कहाँ मैं इसको रखूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से जो है मेरा ये शॉपिंग थी छोटी सी, मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। अपना ख्याल रखिएगा, ओके बाय फ्रेंड्स।